की फिजिक्स है और कॉलेज फिजिक्स है। चारों की चारों बुक्स जो है वो इक्वल फुटिंग पे है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ने एचआरके को पहले पढ़ा हुआ है तो आप जस्ट एचआरके को फॉलो करें। अगर आपने सर्वे एंड जीवट को पहले से पढ़ा है तो जस्ट आप सर्वे एंड जीवट को फॉलो करें। क्वांटम मैकेनिक्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स रिटन बाय जेटली सेकेंडरी। आपने प्रिपरेशन कर ली स्पेसिफिक पोर्शन की और जनरल पोर्शन की, लेकिन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहता हूं। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ फसीर रहमान और आप देख रहे हैं एन एफ साइंस अकेडमी। पार्ट टू में हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्यास के स्पेसिफिक पोर्शन को हमने प्रिपेयर करना है, प्यास एम एस फिजिक्स के स्पेसिफिक पोर्शन को हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है, और अगर आप एम एस कर लेते हैं प्यास से तो कौन सी जॉब दी जाएगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, ये सारी की सारी डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्पेसिफिक पोर्शन को हमने किस तरह से हैंडल करना है। स्पेसिफिक पोर्शन 50 एमसीक्यूज पे बेस कर रहा है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फिजिक्स है और कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं। अब वन बाय वन इनकी डिटेल के बारे में देख लेते हैं कि इनको कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूँ कि फोर बुक्स हैं जो कि मैं सजेस्ट करूँगा, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास फिजिक्स रिटन बाय हैलिडे रेजनिक क्रेन। आप अगर फोर्थ एडिशन यूज़ करना चाहते हैं या फिफ्थ एडिशन यूज़ करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जो फर्स्ट सजेस्टेड बुक है वो है हैलिडे रेजनिक क्रेन की। सेकेंड है सर्वे एंड जीवट की। सर्वे एंड जीवट की फिजिक्स की बुक भी अच्छी है, इसी तरह यूनिवर्सिटी फिजिक्स है और कॉलेज फिजिक्स है। चारों की चारों बुक्स जो हैं वो इक्वल फुटिंग पे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एचआरके को पहले पढ़ा हुआ है तो आप जस्ट एचआरके को फॉलो करें। अगर आपने सर्वे एंड जीवट को पहले से पढ़ा है तो जस्ट आप सर्वे एंड जीवट को फॉलो करें। ऐसे ही अगर आपने कॉलेज पढ़ी फिजिक्स पढ़ी है या आपने यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ी है तो आप उस बुक को फॉलो करें। ये तीनों या चारों इक्वल फुटिंग पे ही हैं। तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो आपने पहले से पढ़ी है बस आपने उसको फॉलो करना है। इसका रीज़न ये है कि आपने जो बुक पहले से पढ़ी होती है उसको प्रिपेयर करना या उसको दोबारा से पढ़ना या उसमें से समझना आसान होता है, बजाय कि आप कोई न्यू बुक पकड़ें, उसका पैटर्न को समझें तो फिर उसमें से आप स्टडी करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने पहले से कोई टूटी फूटी रोड के ऊपर से एक रोड बनानी है तो वो बड़ा ईजी होगा, आप रोड बना सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी जंगल के अंदर से दोबारा से नए सिरे से रोड बनानी है तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले आप दरख्त काटोगे तो फिर उसको हमवार करोगे तो फिर आप उसके अंदर रोड बनाओगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारी चारों बुक इक्वल फुटिंग पे हैं, आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो कहाँ से प्रिपेयर करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स के पोर्शन के टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसमें जस्ट लंग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स या फॉर्मलिज्म को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन चारों बुक्स में से जो भी आप फॉलो कर रहे हैं आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो दो टॉपिक्स हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और वो इनफ होंगे आपको टेस्ट के लिए। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स रिटन बाय जेटली सेकंड एडिशन, क्योंकि ये बुक काफ़ी इजी है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इसी को ही रिकमेंड करती हैं और इसी से ही पढ़ाती हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है उसको दोबारा से प्रिपेयर करना। और ये इजी है एज़ कम्पेयर टू ग्रिफिथ और लिबॉफ, बाकी जो बुक्स हैं उनसे ये थोड़ी सी ईजी लिखी हुई है तो आप ईजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। और जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं EMT, थर्मोडायनामिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। ये जितने भी टॉपिक्स आपको मेंशनड हैं यहाँ पे आपको इन चारों बुक्स में से कोई भी जो आप फॉलो कर रहे हैं आपको मिल जाएंगे, आपको किसी और बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और बात कर लेते हैं कि आपने प्रिपरेशन कर ली स्पेसिफिक पोर्शन की और जनरल पोर्शन की, लेकिन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मैं MCQs की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अब MCQs की प्रैक्टिस के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एररलेस फिजिक्स, ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी प्यास MS फिजिक्स की एंट्री टेस्ट के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने प्यास MS फिजिक्स का टेस्ट देना है तो आपको GRE जो इंटरनेशनल है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। तो मैंने 2019 में GRE फिजिक्स दिया और 2017 में मेरा प्यास का टेस्ट पास था और मेरा इंटरव्यू भी पास था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यह समझता हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ जो GRE का लेवल है वो और है और जो प्यास का लेवल है वो और है,
हाँ ये हो सकता है कि आप प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो जीआरई के पास पेपर्स हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने जीआरई को प्रिपेयर किया तो मैंने हॉलिडे रजनी क्रेन से ही प्रिपेयर किया, कोई एक्स्ट्रा बुक से तो फॉलो नहीं किया ना मैंने। तो यही बुक रिकमेंडेड हैं, यही बुक स्टैंडर्डाइज्ड हैं, इन्हीं से ही तैयार करके आप कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो सबसे पहले अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको जीरो सेमेस्टर को क्लियर करना पड़ता है जो कि एक से डेढ़ मंथ का होता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपने टॉप किया है, अगर आप टॉप 10 में हैं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप कौन सी फील्ड को चूज़ करते हैं, जो प्योर फिज़िक्स है, रेडिएशन फिज़िक्स है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल फिज़िक्स है, ये 3-4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एमएस फिज़िक्स की डिग्री प्यास से फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल कर लेते हैं फेलोशिप पे, तो आपको आफ्टर दैट एमएस आपको 17 स्केल की जॉब दी जाती है एटॉमिक एनर्जी के किसी भी साइट पे। और मज़े की बात यह है कि आफ्टर 3 ईयर्स आपको प्रमोट कर दिया जाता है 18 स्केल में, और आजकल के जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी बात है। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप प्यास को ज्वाइन करते हैं एमएस फेलोशिप के लिए तो आपको पर मंथ 35,000 स्टाइपेंड दिया जाता है अलॉन्ग विद ऑल फ्री फैसिलिटीज। लाइक अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको हॉस्टल फ्री दिया जाएगा, अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट फ्री दी जाएगी। एक बात है, जो हॉस्टल में रहते होंगे उनको जस्ट मेस का बिल पे करना पड़ेगा, बाकी सब जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी फ्री हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।